दिल्ली पब्लिक स्कूल उधमपुर द्वारा आयोजित एकलव्य उत्सव में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मेरा कोड है DPSU 35। तो शुरू करता हूँ अपना एकलव्य। ओह, 8 बज गए, कक्षा शुरू होने वाली है। आज फिर से ऑनलाइन क्लास, हे भगवान, और नहीं सहा जाता, दुखी हो गया हूँ। और ये मोबाइल मेरे पास तो कुत्ते से भी ज्यादा घुराता रहता है। सच बताऊं, एक वो समय था जब मोबाइल को देख के ना बड़ा मजा आता था। वो व्हाट्सएप पे वार्तालाप, गेम्स खेलना, दोस्तों को वीडियो कॉल करना, अच्छे अच्छे मैसेज भेजना, कितना मजा आता था। और अब ऐसा लगता है जैसे मेरे प्यारे मोबाइल पर शिक्षकों ने फिरंगियों की तरह कब्जा कर लिया है। कम नेटवर्क की कड़कड़ ने कर दिया सारा पाठ खराब, ना सुनाई दे ना समझ आए, अध्यापिका पूछे सवाल जवाब। अब तो मोबाइल को हाथ लगाने से भी डर लगता है, कभी ये कार्य करो, कभी ये वाली गतिविधि करो। उफ, सच में अब तो पढ़ाई का मजा ही जाता रहा, इससे अच्छा तो हम विद्यालय ही जाते, कम से कम समय सारणी के अनुसार भी काम तो मिलता और दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी हो जाती। सच बताऊं, अब तो ऐसा हाल है, पूरा दिन विद्यालय का काम करते रहो फिर भी माता श्री कहती है, ओ जी मेरा बेटा कुछ नहीं करता, पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। पहले पहले कहते थे मोबाइल से दूर रहो, और अब रात को पूरे पूरे सपने आते हैं, मेरे मोबाइल के इतने बड़े बड़े सींग निकल आए हैं और अपने फ्लैशलाइट जैसे दांतों से मुझे चिढ़ा रहा है। हाय रे मेरी पबजी, हाय रे मेरी सब्य सर्फ। माता रानी की कसम, ये देखो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं, डॉक्टर ने बोला है नजर का चश्मा लगेगा। और फिर भी मेरे पिताश्री, पूजनीय पिताश्री, सुबह शाम ढोल बजा बजा कर सीढ़ियों पर खड़े होकर कहते हैं, ओ जी मेरा बेटा कुछ नहीं करता, उसका कुछ नहीं होगा, गजब बेइज्जती है। सच में वो 8 से 2 का टाइम अच्छा था, और अब सुबह के 8 का बजे रात के 2 का बजे पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है, यही कुछ हमारे साथ हुआ है। काश वो दिन वापस आ जाए, शिक्षक हमें शाम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएं, खत्म हो जाए ऑनलाइन क्लास का टेंटा और